हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 3, सीक्वेंस एंड सीरीज। रिमेंबर सम पॉइंट्स। इफ एबीसी आर इन एपी, देन फर्स्ट पॉइंट इज ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के आर आल्सो इन एपी। जैसे 2, 4, 6 डैश डैश डैश, ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसमें ईच टर्म में मैं जैसे 1 ऐड कर देता हूं, तो 2+1, 4+1, 6+1 डैश डैश डैश, ये भी क्या होगा? आपका एपी में ही होगा। आप देख लो यहाँ क्या आ गया, 3, 5 और 7, है ना। तो ये क्या है, एपी में ही है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपका क्या था, 2 ही था। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ईच टर्म में आप क्या कर दो, किसी कांस्टेंट को ऐड कर दो, ठीक है ना। किसी कांस्टेंट के को हमने ऐड किया तो उसके बाद जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है ना, ऐड करने के बाद भी जो प्रोग्रेशन बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। सिमिलरली ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, अगर आप सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हो के को, तो भी टर्म आपकी क्या होगी, तो भी जो है आपकी सीक्वेंस जो होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, ठीक है। जैसे 2, 4, 6 है, इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया ईच टर्म में से, तो भी ये एपी ही रहेगी। 1, 3, 5, ठीक है, ये किसमें है, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही। यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका 2 था, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपका 2 ही है। सिमिलरली के ए, के बी, के सी, किसी के कांस्टेंट को आप इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, और किसी के कांस्टेंट को आप ईच टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो भी जो सीक्वेंस होगी वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, जहां पर आपका के क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक मीन। इफ 3 or more than 3 नंबर्स आर इन एपी, देन द नंबर्स लाइंग बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। जैसे कि हमने कंसिडर करा ए और बी दो नंबर है, ए आपका फर्स्ट नंबर है, बी आपका लास्ट नंबर है, उसके बीच में जितनी भी टर्म्स है, जैसे यहाँ कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए क्या हो गया, आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। इफ ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी आर इन ए पी, देन कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इफ a, b आर इन ए पी, देन ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये दो नंबर के बीच में आपका एक अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द nth टाइम्स द एम बिटवीन देम, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां हमने क्या कंसीडर करा, लेट a1, a2, a3 डैश 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 ए एन बी द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। स्मॉल ए आपकी फर्स्ट टर्म है, स्मॉल बी आपकी लास्ट टर्म है, और a1, a2, a3, a4 डैश 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 ए एन एन अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, राइट। सो ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया आपका स्मॉल बी, और ये हो गया आपके एन अर्थमेटिक मीन आर इन ए पी। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। Now last term b is equal to a plus n
ए एन प्लस टू हो गई, लास्ट टर्म बी इज इक्वल टू ए एन प्लस टू आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एन टर्म्स तो आपकी ये हो गई अर्थमेटिक मीन वाली, एक टर्म ये और एक टर्म ये बी वाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस टू लिख सकते हैं, ठीक है, बी को लास्ट टर्म को। सो ये हो जाएगी आपकी ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इन टू डी, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए प्लस एन प्लस वन इन टू डी दैट इज इक्वल टू बी। सो यहां से आप डी की वैल्यू निकालोगे तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू डी, ये आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो ए वन आपका क्या है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म को स्मॉल ए टू बोलते हैं, वो क्या होती है आपकी ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ए टू आपका क्या है, ए थ्री के इक्वल है, ए थ्री होता है ए प्लस टू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, डी की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ए थ्री की बात करेंगे, ये हो जाएगा ए फोर के इक्वल ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन एन डैश डैश डैश, लास्ट आपका आ जाता है ए एन, ये हो जाएगा ए एन प्लस वन और ये हो जाएगा ए प्लस एन डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, नाउ सम ऑफ दिस एन ए एम अर्थमेटिक मीन्स दैट इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डैश 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 प्लस ए एन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, डी निकाला, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, राइट। सो लास्ट टर्म आपकी यहां बी दे रखी थी जो कि होती है ए एन प्लस टू, तो यहां पर आपने एन की जगह क्या लिख दिया, एन प्लस टू लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एंथ टर्म का, तो एन प्लस टू टर्म क्या हो जाएगी, एन प्लस टू माइनस वन यहां पर आ जाएगा, इससे ये आ गया आपके पास ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, यहां से आपने डी फाइंड आउट कर लिया। फिर आपको अर्थमेटिक मीन ए वन की बात करनी है जो कि टर्म आपकी क्या है ए टू है, और ए टू क्या होता है ए प्लस डी होता है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपने पुट कर दी। सिमिलरली आपने यहाँ पर ए टू ए थ्री निकाला और ए एन निकाला, अब आप क्या कर रहे हो, सम ऑफ ऑल दीज एंड अर्थमेटिक मीन, इनका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया साहब, ठीक है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, तो फॉर्मूला क्या होता है सम का, एन बाय टू ए प्लस एल, तो ए की जगह तो है ए वन और एल की जगह है ए एन, ठीक है। तो यहाँ आ गया एन बाय टू ए प्लस बी माइनस वन अपॉन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ए वन की वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर, ए वन हमारा ये था ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन प्लस ए एन की वैल्यू भी आप यहां पुट करो, ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, therefore n by 2 2a plus
बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन और वन प्लस एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर लिया हमने इसको, ए और ए तो टू ए मिल गया और ये कॉमन आ गया, तो फिर वन प्लस एन यहाँ बचेगा। ठीक है, सो ये हो गया एन बाय टू, एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एन प्लस वन से एन प्लस वन तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है ना, और टू ए प्लस बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा एन बाय टू इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ए प्लस बी बाय टू। ठीक है, सो ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो हो गया एन, और ये क्या है आपका a प्लस बी बाई टू, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है। Hence, sum of n arithmetic means between a and b is equal to n times the arithmetic mean between a and b, hence proof। यही हमको प्रूव करना था। Remember, the n arithmetic means between A and B are A plus B minus A upon n plus 1, A plus 2 B minus A upon n plus 1, dash 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 a plus n b minus a upon n plus 1. Next, terms in AP if the sum is given. If the sum of the terms three, four, five, dash, dash, dash is given, then the terms can be supposed as follow. First, if three terms in AP, then A minus D, A, A plus D। अगर आपको सम गिवन है क्वेश्चन में और थ्री टर्म्स आपको कंसीडर करनी है, तो आप कैसे कंसीडर करोगे, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। ठीक है, सेकंड, फाइव टर्म्स अगर आपको बोला जाए इन एपी में है, तो वो आप कैसे कंसीडर करोगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, a a प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, तो आप यहां देखोगे तो पाओगे कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या होना चाहिए, d का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है, d का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड
सेवन नाइन टाइम्स कैन बी टेकन। ठीक है ना, इसी तरीके से सेवन नाइन एंड सो ऑन टर्म्स कैन बी टेकन, इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास आता है, अगर फोर टर्म्स आपको कंसीडर करनी है, है ना, ये तो थे ऑड टर्म्स के बारे में बोला था पहले, अब इवन टर्म्स की बात कर रहे हैं। फोर टर्म्स आपको कंसीडर करनी है, तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, फोर टर्म्स। अब यहां पर देखो आप, 2d का कॉमन डिफरेंस रहेगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर सिक्स टर्म्स की बात कर रहे हो आपसे, तो आप क्या लोगे यहां पर, a माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फाइव डी। सिमिलरली एट टेन टर्म्स कैन बी टेकन। नॉट इफ द सम ऑफ टर्म्स is not given, if the sum of terms is not given, then select terms as a plus d, a plus 2d and so on, right। अब ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर आपको सम दिया हुआ है तो आप थ्री टर्म फाइव टर्म इस तरीके से कंसीडर करोगे, ठीक है ना, और फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म आप इस तरीके से कंसीडर करोगे, ठीक है। और अगर आपको सम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ टर्म्स इज नॉट इन गिवन द क्वेश्चन, देन वी सेलेक्ट द टर्म्स एज ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, राइट।